हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने आके पूछा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। बड़ी मशहूर यह हदीस है और ऑफन कोट की जाती है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसने में आपने फरमाया कि तूने उस दिन के लिए तैयारी क्या की है। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी तो कोई ख़ास नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई मैंने इतनी मतलब मेरी नफल इबादत वगैरह नहीं, बस एक चीज़ है। और उसने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा जिनसे तू मोहब्बत करता। तो अगर वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करता तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा, जहाँ सरकार होंगे वहाँ वो होगा, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो आई थिंक दैट्स अच्छा मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले दिलो जान से हजूर से मोहब्बत।